आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ओमिक्रोन का खतरा, ओमिक्रोन के 4 नए मामले आए सामने। श्रीनगर आतंकी हमले के 24 घंटे के अंदर सेना का बदला, पुंछ के सुरनकोट में एक आतंकी हुआ ढेर। कोरोना पॉजिटिव करीना कपूर खान पर बीएमसी का एक्शन, सील किए करीना अमृता के घर। लखीमपुर कांड को एसआईटी ने सोची समझी साजिश माना, आशीष मिश्रा समेत 4 पर चलेगा हत्या का केस। 2022 विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन, 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने की बैठक। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के एक दिन बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन करने से पार्टी को अपने मतदाता आधार का विस्तार करने में मदद नहीं मिलने वाली। वहीं आगे मायावती ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव में सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी के संबंध में भी ये कहना चाहूंगी कि यूपी में विधानसभा आम चुनाव होने से पहले यहाँ दूसरी पार्टियों के खासकर निष्कासित, निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आया राम व गया राम ही कहती है, साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। फिर भी मीडिया द्वारा जनता को ये सब हर दिन इसे ऐसे परोसा जाता है, दर्शाया जाता है जैसे ये सब ऐसी कोई बड़ी घटना हो जिससे जनता प्रभावित हो जाए, जबकि उसमें कतई भी सच्चाई नहीं होती है। इसलिए बीएसपी इस किस्म की राजनीति से अपने आप को पाक साफ रखने का भी पूरा प्रयास करती है। मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष शुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने, जिनको इनके पिता श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी। वहीं आगरा में वैश्विक महामारी से जंग लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी, जहां वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अब अवैध वसूली का खेल देखने को मिला है। ताज नगरी के नारायण सती नगर प्राथमिक विद्यालय में 10 रुपए लेकर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नारायण सती नगर प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला अब सामने आया है, जहां पर एक अवैध वसूली करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो यह आगरा से पूरा मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की पोल खुलती दिखाई दी है, जहां वैक्सीनेशन के नाम पर अब अवैध वसूली का खेल जारी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर पैसे लेकर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करते हुए स्वास्थ्य कर्मी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना महामारी के विरुद्ध जंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में छेड़ी हुई है। वहीं प्राथमिक विद्यालय नारायच सती नगर में एक वीडियो जो है वो वायरल होता दिखाई दे रहा है, जहां पर वैक्सीनेशन के नाम पर अवैध वसूली का खेल देखने को मिल रहा है। 10 रुपए लेकर अब वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा।
तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आगरा से बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की अपील लगातार जनता से की जा रही है, वहीं बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि यह पूरा वैक्सीनेशन जनता तक मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। बावजूद इसके अब ये स्वास्थ्य केंद्रों पर जिस तरह से अवैध वसूली का खेल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन काउंटर जो बनाया गया है, वहां पे लाइन में लोग खड़े हुए हैं, अपने साथ में वो आधार कार्ड लिए हुए हैं, अपना वेरिफिकेशन लेकर खड़े हैं, साथ ही में वो 10 रुपए देते हुए भी वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को देखे जा सकते हैं। वहीं जब इनसे पूरे मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मी 10 रुपए की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला ताज नगरी के नारायण सती प्राथमिक विद्यालय के पास का बताया जा रहा है, जहां पर रुपए लेकर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 6 का ये पूरा वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। वहीं के एक स्वास्थ्य केंद्र से ये पूरी घटना जो है सामने आई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ जो है वो वायरल हो रहा है, जहां पर पैसों के एवज में यहां पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करते हुए स्वास्थ्य कर्मी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 2 साल से लगातार कोरोना का खतरा पूरे विश्व पर छाया हुआ है, वहीं भारत में भी कोरोना की जद में आके लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में जिस तरह से अब स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से धांधली देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अब ये आगरा प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे घूसखोरों को, ऐसे रिश्वतखोरों को पकड़े। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी आगरा संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो ममता, स्वास्थ्य कर्मियों की पोल खुलती आगरा में दिखाई दे रही है, वैक्सीनेशन के नाम पर अवैध वसूली का ये कैसा धंधा जारी है? बिल्कुल अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह वीडियो में जो साफ तरीके तौर से देखा जा रहा है कि 10 रुपए पर वैक्सीनेशन के जो रजिस्ट्रेशन है उसके नाम पर वसूला जा रहा है, तो इससे तो एक तरह साफ नजर आ रहा है, जिस तरह जो 10 रुपए का जो वसूली है उससे साफ नजर आ रहा है कि योगी सरकार में जो धांधलीबाजी है वो बजाय घटने के, एक तरफ तो योगी सरकार धांधली की खत्म करने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, वही दूसरी ओर योगी सरकार में साफ तौर से देखा जा रहा है कि धांधलेबाजी चरम सीमा पर है। जी ममता, जिस तरह से अभी पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ बयान इस पूरे मामले पर जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जब स्वास्थ्य विभाग के जब अधिकारियों से बात की गई तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच, महज जांच जैसे दो शब्द कह के जांच की जाएगी, यही हमेशा यही होता आ रहा है कि जब भी कोई भी किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की कोई धांधलेबाजी में या किसी भी कार्य में, इस तरह के घिनौने कार्य में जब लिप्त होता है तो साफ तौर से वो जो अधिकारी होते हैं, सो सक्षम अधिकारी, वो उनका वो दो ही शब्द रह जाते हैं उनके पास कि जांच की जाएगी और उसके बाद में जो भी जो विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह वीडियो में जब साफ तौर से देखा जा रहा है कि वो रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं, तो उस पर जांच की फिर क्या कहां बात रह जाती है। जी ममता, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तो कहीं ना कहीं जांच बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, ऐसे में अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, स्थानीय विधायक जो है वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी भी हलचल अब तेज होती दिखाई दे रही है आगरा में, ऐसे में जो स्थानीय विधायक है, क्या उन तक इस पूरे मामले की बात पहुंची है? उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है? बिल्कुल अनुष्का, बता दूं आपको कि जिस तरह विधायक खुद, कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था कि विधायक खुद जनता को प्रलोभन देकर के, राशन का जो प्रलोभन है वो देकर के वोटों की दलाली की बात करते हैं, तो वो विधायक इस तरह के कैसे, जब वो खुद ही स्वच्छ नहीं है तो जनता के लिए वो या किसी कर्मचारी के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हम आगे भी आपसे ऐसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन के नाम पर इस वक्त अवैध वसूली का खेल स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। वहीं रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां हाथरस में आदेश का पालन न करने पर इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर युवक धरने पर बैठ गया। प्रवीण धरनगर में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से शासनादेश संख्या जारी किया था, उसी शासन आदेश का पालन करने के लिए प्रवीण धरनगर
तहसीलदारों और लेखपालों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुका है, जिसको लेकर प्रवीण तहसील प्रांगण में ही धरने पर बैठ गया। इसके साथ फिर से एक बार प्रवीण धनगर ने फाइल का निस्तारण करने की भी मांग की। नाम आपका? मेरा नाम है प्रवीण धनगर। प्रवीण जी, क्यों बैठे हैं तहसील? प्रशासन से परेशान होकर एसडीएम तहसीलदार को ही मेरी अपील ले नहीं रहा है। परेशान होकर मैं इच्छा मृत्यु के लिए बैठा हूँ कि मेरी इच्छा मृत्यु का प्रावधान पूरा करवाया जाए, जिससे कि यहाँ पे मैं लड़ नहीं सकता इनसे, तो मैं अपने भगवान भरोसे बैठा हूँ। जब तक ये इच्छा मृत्यु की कागज कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी या मेरा धनगर सर्टिफिकेट नहीं बन जाएगा, तब तक मैं ऐसी तरीके से बैठा रहूँगा। एसडीएम साहिबा क्या कहते हैं? एसडीएम साहिबा ने मुझे खड़ा करके, ऑफिस के बाहर खड़ा करके दो दो घंटे रखा है। एसडीएम साहब ने अपने गार्डों से मुझे धक्के मार के ऑफिस से भगा दिया है। सब ने जाके डीएम साहब से रिमार्क करके करवा के लाया, उसके बावजूद मेरी अपील नहीं ले रही है एसडीएम साहब। एसडीएम साहब अपनी मनमानी कर रही हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरी इच्छा मृत्यु का प्रावधान ये नहीं। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां पर सर्दी के दिनों में लोग ठंड से ठिठुरते हुए नजर आए हैं। फुटपाथ पर जिनके पास कोई साधन नहीं था, उनको कंबल भी बांटे गए हैं। कहते हैं कि वास्तव में असली हकदार को हक मिलना ही चाहिए, तो यह औरैया सदर कोतवाली प्रभारी ने कर दिखाया, जहां लोहा पीटा समाज के लोग या फुटपाथ पर जो लोग मिले हैं उनको कंबल वितरण किया गया, जिससे लोगों को सर्दी से बचाव हो सके। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी देखने को मिली। वहीं अब पुलिस के इस सराहनीय काम की तारीफ हो रही है। वहीं आगरा के थाना हरि पर्वत के पालीवाल तिराहे पर एसओजी और सीआईडब्ल्यू टीम ने बदमाश से मुठभेड़ की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान भागते हुए बदमाश पर पुलिस ने फायरिंग की। इस दौरान फायरिंग में भागते हुए बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश अरुण को कुछ ही दूरी पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। आज रात्रि थाना हरि पर्वत में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दो संदिग्ध लोग थे और वो चेकिंग से बचने के लिए भागने लगे। फिर जब पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको घेरा, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस मुठभेड़ हुआ और पुलिस मुठभेड़ में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है शाहरुख जो घायल हो गया और दूसरे का नाम है अरुण। ये इन दोनों के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और एक तमंचा और जिंदा कारतूस मिले हैं और साथ में वो मोटरसाइकिल मिली है जिनसे ये लोग भाग रहे थे। तो आगरा से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी आगरा संवाददाता ममता हमारे साथ बनी हुई है। तो ममता, पुलिस को देर रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आगरा पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, ये चेकिंग के द्वारा जो बदमाशों और पुलिस के आमने सामने जो मुठभेड़ हुई है, ये आगरा के थाना हरि पर्वत पालीवाल त्राय का ये पूरा मामला है, जहां चेकिंग पुलिस के द्वारा जब देर रात की जा रही थी, जो चोरियों की जो घटनाएं हो रही है, लगातार लूटपाट जो हो रही है देर रात में, तो उसको लेकर के पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस को देखते हुए अपनी जो एक बाइक थी उस पर दो बदमाश सवार थे, शाहरुख और अरुण, तो दोनों ने भागना शुरू कर दिया। तो जहां भागता हुआ बदमाशों को देखकर पुलिस ने उनका पीछा किया, तो जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने जवाब फायरिंग कर दी। तो उसी के जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई, उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती भी किया गया है और वहीं दूसरे बदमाश अरुण को वहां गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और दोनों ही तरफ से जवाबी फायरिंग में उनको पकड़ लिया गया। जी ममता, जिस तरह से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, मुठभेड़ भी देखने को मिली है, ऐसे में दोनों ही अपराधियों की क्या कुछ आपराधिक इतिहास है, क्या पहले से इन पे कुछ मुकदमे दर्ज है?
जी बिल्कुल, इन पर काफी कई जिलों से इन पर मुकदमे दर्ज हैं और काफी दर्जनों के संख्या में इन पर मुकदमे दर्ज हैं दोनों ही बदमाशों में। और इनसे मुठभेड़ के दौरान जब दूसरा जो अरुण है उसको काफी कुछ दूरी पर जाके पुलिस के द्वारा जब दबोच लिया गया तो उसके कब्जे से एक कमंचा और एक बाइक और शाहरुख के उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा से आपको खबर बता रहे थे जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं अलीगढ़ में भूदेवी इंटर कॉलेज में ताला तोड़कर जनरेटर की कायल और इंटर कॉलेज के बाहर कपड़ों की दुकान का शटर काटकर 1.5 लाख रुपए का सामान बदमाशों ने उड़ा दिया। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि सुबह स्कूल के ही टीचर ने उनको फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी कि स्कूल के बाहर कपड़े की दुकान के ताले को काटकर सामान चोरी किया जा चुका है, जिसके बाद वह स्कूल पहुंचे और कपड़े की दुकान वाले को भी मौके की जानकारी दी। वहीं पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मेरा नाम रतुल शर्मा। कौन सा गांव है और कौन सा स्कूल है ये गांव का? ये गांव है हैवतपुर फगोई लगता है, स्कूल का नाम है श्रीमती भूदेवी इंटर कॉलेज। क्या घटना हुई है यहाँ पर रात को? यहाँ पर सुबह मेरे पास फोन आया था कि रात में 2:30 बजे के उपरांत जनरेटर का ऑल्टरनेटर और कमरों के ताले वगैरह तोड़कर चोरी की कोशिश हुई है यहाँ पर, और कुछ सामान जो है विद्यालय का वो चोरी हो गया है। ये सूचना किसके द्वारा दी गई थी आपको? सुबह एक टीचर हैं, वो किसी अपने रिश्तेदार को छोड़ने आए होंगे अलीगढ़, तो उन्होंने लौटते में यहाँ देखा कि यहाँ भीड़ भीड़ लग रही थी, बाहर एक दुकान का भी शटर काटा गया है, तो उन्होंने मुझे करीबन 7:45 बजे करीबन फ़ोन किया है कि सर यहाँ पर चोरी हो गई है विद्यालय में। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मसला हुआ रात में? रात में जो चोरों ने शटर काट लिया इसका दुकान का। और आपको कैसे पता चला? हमें तो सुबह मालूम पड़ा है। वैसे कितना माल चोरी हो गया है? 1.5 लाख। क्या क्या चीजें हैं इसमें? विंटर का सामान है सारे। क्या यहाँ पर रात में गश्त लगती नहीं है क्या? गश्त तो मूवमेंट करते होंगे, हम लोग तो घर रहते हैं तो हमें तो पता नहीं क्या। वही सिद्धार्थनगर में कांग्रेसियों ने गौशाला पर भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और यात्रा निकाल कर जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। बांसी ब्लॉक के वृहद गौवंश आश्रय स्थल खजूरिया के गेट पर जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद, वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी सहित ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ किया। वहीं सहारनपुर के गुड़गांव के अंदर खुले में नमाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच देवबंदी उलेमा ने कहा कि गुड़गांव के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और साथ ही बड़ी तादाद में मुसलमान उधर नौकरी भी करते हैं, जबकि वहां मस्जिदों की भी तादाद बहुत कम है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि नमाज और दुआ लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज से भी तकलीफ होती है। इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि गुड़गांव के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग मुसलमान वहां पर नौकरी करते हैं, मस्जिदों की तादाद कम है, वहां हुकूमत की जानिब से नई मस्जिद बनाने की कोई इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान खुली जगहों पर जुमे की नमाज अदा करते हैं। हालांकि जुमे की नमाज का जो वक्त होता है, खुतबा और नमाज और दुआ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोगों को इस चीज से तकलीफ होती है और वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारा जो भाईचारा है उसको हिंदू और मुसलमानों के अंदर बदलना चाहते हैं, भाईचारे के अंदर दरार डालना चाहते हैं और मुल्क को जो है नफरत की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि जो है हुकूमत का जो नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो जितनी हुकूमत हमारे दूसरे भाइयों की है इतनी ही मुसलमानों की है, जितना मुल्क जो है दूसरे भाइयों का है हमारे मजहबी भाइयों का इतना ही मुल्क ही है। वहीं अलीगढ़ के थाना अकराबाद के चांदपुर मिर्जा में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए नाबालिग को दबंगों ने जमकर पीटा। जब उसको बचाने के लिए उसकी मां पहुंची तो दबंगों ने पीड़ित महिला को भी नहीं बख्शा और महिला के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें नाबालिग की हालत
गंभीर बताई जा रही है। इस मामले पर पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो लोग हिंदू धर्म को अपना लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है। मस्जिद पर दबंगों का राज चलता है, जिसकी वजह से कई गाँव के लोग जो है वो पलायन करने पर मजबूर है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।